दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत को यानी मुर्दे को कब्र में उतारने और कब्र में लिटाने का सही तरीका क्या है, मैं इंशाअल्लाह बिल्कुल तफसील के साथ आपको बताऊंगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझाऊंगा ताकि आप समझ पाए। मसला अगर आप देखना चाहें तो फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 2 सफर नंबर 422 पे, एहसान उल फतावा में जिल्द नंबर 4 सफर नंबर 235 पे, फतावा हिंदिया में जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 166 पे। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, आप देख सकते हैं। अल बहरुल राइक में भी है, सफर नंबर 194 आप खोलकर देखिएगा। बहर कैफ, यहाँ पर मैं हवाला देना मेरा मकसद नहीं है, यहाँ पर मसला बताना मेरा मकसद है। मैयत को जो उतारेंगे कब्र पे, जो उतारते वक्त ये देखना है कि मैयत औरत है या मर्द है। अगर औरत मैयत है तो मुकम्मल पर्दा के साथ उतारेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से उस इलाके को, उस जगह को घेर लेंगे पर्दे से, कपड़े वगैरह से, ताकि किसी गैर महरम की नजर उस औरत के मैयत के, जो मैयत जो औरत है उसके कफन पे भी न पड़े। और वहां पर जो हजरात गैर महरम है उनके लिए ये चाहिए कि वो अपनी निगाह नीची कर लें या उस तरफ देखें नहीं, ताकि गैर महरम के कफन पे जो है इनकी नजर न पड़े। और अगर मर्द है तो फिर कपड़ा वगैरह घेरने की जरूरत नहीं है, वहां पर जो है आड़ वगैरह करने की, पर्दा वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो औरत और मर्द के लिए था। और कब्र पे जो उतारेंगे, ये उतारेंगे किबले की तरफ से, जो उतारने वाले होंगे, जो अंदर उतारने वाले, और इसमें उतारने वाले जो होंगे कोई मुतय्यन नहीं है कि 3 आदमी 4 आदमी 6 आदमी हो, कोई ताक अदद हो, जुफ्त ताक अदद हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितने आदमी की जरूरत हो, 2 आदमी 3 आदमी, अगर मोटा सा मैयत है, ज्यादा जो है मोटा है, उसका जिस्म ज्यादा भारी है, तो फिर 4 आदमी 5 आदमी भी उतर सकते हैं। जितने लोगों की जरूरत है उतने हजरात कब्र में उतर सकते हैं। तो बहर कैफ, यहाँ पर यह बता रहा हूं मैं कि जो उतारने वाले हैं, उतारने वालों का चेहरा किबले की तरफ होगा, जो कब्र में मैयत को उतारेंगे उनका मुंह किबले की तरफ होगा, और मैयत को जो उतारेंगे वो किबले की तरफ से उतारेंगे, किबले की तरफ से मैयत को उतारेंगे, और उतारने वाले का मुंह किबले की तरफ होगा, किबले की तरफ उनका रुख होगा, उसके बाद मैयत को उतारेंगे। अब ये तो उतारने का तरीका था, अब मैयत को कब्र में लिटाने का तरीका, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा है, लिटाने का जो तरीका है कब्र पे, वो ये तरीका है, मैयत को किबला रू लिटाएंगे और दाहिने करवट पे लिटाएंगे। बास जगह मैयत को किबले की तरफ पैर कर देते हैं, किबले की तरफ पैर करके मैयत को जो है दफन करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये गलत तरीका है। सही तरीका यह है, मैयत को जो कब्र पे लिटाएंगे वो किबले की तरफ रुख करेंगे और दाहिने करवट पे, दाहिना करवट कब होगा, जब उसका दाहिना हाथ नीचे की तरफ होगा और बायां हाथ ऊपर की तरफ होगा। जो करवट करके लिटाएंगे, लिटाते वक्त दाहिना हाथ नीचे की तरफ होगा और बायां हाथ ऊपर की तरफ होगा, बायां तरफ हिस्सा जो है ये ऊपर होगा, तभी जाके दाहिना करवट होगा, तो दाहिने करवट पे। और दूसरी बात, किबले की तरफ रुख करेंगे। बास जगह मैयत के सिर्फ मुंह को घुमा देते हैं, मुंह को मोड़ देते हैं किबले की तरफ, लिटाते हैं चित चित लिटाते हैं, सीधा लिटाते हैं, लेकिन करवट करते नहीं है। करवट न करके मैयत को उसका सिर्फ चेहरा जो है, मुंह, मैयत के मुंह को घुमा देते हैं किबले की तरफ। ये तरीका भी मुनासिब नहीं है। चाहिए कि मुकम्मल मैयत के नीचे कोई जो है ईंट, कच्ची ईंट हो, पकी हुई ईंट जिसको आग वगैरह से पका दिया गया है, या फिर जो है कोई आग वाला सामान नीचे न दें, कोई मिट्टी वगैरह हो, या कच्ची ईंट है, कच्ची है पकी नहीं है, कच्ची ईंट है या फिर मिट्टी का ढेला है, उसको जो है मैयत के पीठ की तरफ नीचे से दे दें, ताकि मैयत बिल्कुल अच्छी तरह से करवट पे आ जाए, मैयत चित न लेटे, मैयत का बिल्कुल चेहरा, उसका जो सामने वाला हिस्सा है ये मुकम्मल सामने वाला हिस्सा किबले की तरफ हो जाए। ऐसा करना कि सिर्फ मुंह घुमा देना किबले की तरफ और पूरा जिस्म आसमान की तरफ है, ऐसा मुनासिब नहीं है। लिहाजा इसका ख्याल रखा जाए कि मैयत को जब आप दफन करें दाहिने करवट पे हो और उसका रुख, उसका चेहरा और उसका जो है रुख बिल्कुल सामने वाला हिस्सा जितना है ये सारा का सारा किबले की तरफ हो जाए, ये बिल्कुल ख्याल रखें। ये जो है जरूरी बातें थी, मैंने पेश की हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لاجواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے، آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں، یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی۔ اور اگر واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں۔ نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی۔